दुनिया हिलाने का दावा करते हैं ये, और अब ये कहते हैं क्रिकेट है मेरी जान। बॉस बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। हैशटैग आकाश वानी, ये पर्चा लेके चलना पड़ता है क्योंकि आईपीएल टूर्नामेंट ऐसा है जब यू आर ट्राइंग टू डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ टीम्स और यू नीड टू रियली कवर ऑल योर बेसिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई इंडियंस करती है। इस टीम की खासियत यह है कि आप कैसे भी उल्टा सीधा लेफ्ट राइट कहीं से भी देखोगे ना, आपको ज्यादा कमजोरियां नजर नहीं आती। दे शॉप स्मार्टली और उसके बाद हर बेस को एक कवर करके चलते हैं। क्लास की टीम है, इस वजह से इनका क्लास का प्रदर्शन रहता है। ताकत की बात करें तो इंडियन कोर में क्या डेप्थ है इनके पास, चाहे वो कप्तान हो, कृणाल हो, हार्दिक हो, बुमराह हो, इनके पास मैच विनर्स लाबालाब एकदम भरे हुए मैच विनर्स रहते हैं। ये है मुंबई इंडियंस की खासियत। वानखेड़े स्टेडियम को इन्होंने किले में तब्दील कर दिया, इट्स अ फोर्ट्रेस बॉस। और ये कहते हैं अगर आपको आईपीएल में अच्छा करना है ना तो अपने घर को किला बना दो जिसको कोई भेद ना पाए। मुंबई इंडियंस ने यह काम किया है। तो ये है दो बड़ी इनके पास स्ट्रेंथ्स। वीकनेस अपेरेंट कोई है ही नहीं, हमने पहले भी कहा इस टीम में वीकनेस ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इस लाइक कि वो अगर भूसे में आपको सुई ढूंढनी हो, आसान नहीं होता ना, वही काम है। तो ओनली थिंग इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इनके पास इतने विकल्प होते हैं कि कई बार ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको खिलाएं, उसको खिलाएं, किसको खिलाएं, बेन कटिंग, कारन पोलार्ड, दोनों में से किसी को खिलाएं, फिर बॉलिंग नहीं कराएं। बॉलिंग में इतने सारे विकल्प रहते हैं कि यू थिंक यार इनके पास ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मतलब इट बिकम्स अ हेडेक वंस इन अ वाइल। सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट दे हैव। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की तो अपॉर्चुनिटीज तो मयंक मारकंडे के लिए एक बार फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पहला सीजन अच्छा रहता है, सेकंड सीजन ब्लूज, क्या ये हो सकता है? कृणाल पंड्या, क्या ये अपने रेपुटेशन को और एनहांस कर सकते हैं? हार्दिक पंड्या, कैन ही एक्चुअली पुट एवरीथिंग बिहाइंड जो पिछले 5-6 महीने में रहा है? और क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए उनको फिटनेस भी प्रूव करनी है और थोड़ा सा फॉर्म भी दिखाना है सो दैट ही रीचेस द वर्ल्ड कप इन प्राइम फॉर्म। तो ये हो गया इनका अगर अपॉर्चुनिटीज इन लोगों के लिए है। इज देयर अ पॉसिबल थ्रेट फॉर दिस साइड? ज्यादा थ्रेट्स होती नहीं है, थोड़ा धीमा स्टार्ट करते हैं, एक ये थ्रेट है, पर ये धीमा चलते हैं और उसके बाद ये खरगोश को हरा देते हैं। ये इनकी खासियत है, कछुआ इस वाली रेस में जीत जाता है ज्यादातर, बट आई डोंट सी इट एज अ थ्रेट। तो ओनली थ्रेट इज कि अगर आपको बैकअप इंडियन बोलिंग अटैक ढूंढना पड़े, स्पिनर्स में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कृणाल पंड्या के साथ मयंक मारकंडे बाहर बैठे हैं, राहुल चहर, तो फिर कोई बड़ा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस स्पिनर इनके पास है ही नहीं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो सीज हो। और अगर कहीं बुमराह की आपको रिप्लेसमेंट चाहिए हो, मान लीजिए डिसाइड किया जाए कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों को थोड़ा वर्कलोड उनका मैनेज करेंगे, तो इंडियन पेस बोलिंग डिपार्टमेंट में इनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। सो दैट इज देयर ओनली थ्रेट। अगर हम इनकी टीम चुने, अब मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, आइडियल प्लेइंग 11, वंस अगेन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आई एम स्टार्टिंग विद क्विंटन डीकॉक, इवन लुइस भी हो सकते हैं, लेकिन मैं क्विंटन डीकॉक के साथ जा रहा हूं और उनके साथ मैं रखता हूं रोहित शर्मा को। मैं चाहता हूं कि कप्तान रोहित बतौर ओपनर खेलें। नंबर 3 पे मैंने सूर्य कुमार यादव को रखा है। नंबर 4 पे अब उन्होंने युवराज सिंह को पिक कर लिया है। वैसे ईशान किशन हो सकते थे, लेकिन अगर युवराज को पिक किया है तो आपको युवराज को खिलाना चाहिए। तो मैं अपनी टीम में उनको नंबर 4 पे शुरुआत में जगह दे रहा हूं स्लैश ईशान किशन, अगर वो ऐसा करना चाहें। फिर आते हैं कृणाल पंड्या, फिर आते हैं हार्दिक पंड्या, और फिर एक टॉसअप है, सिक्का उछलेगा बेन कटिंग गिरेगा या गिरेगा कारन पोलार्ड, आई डोंट नो, आई विल गो विद कारन पोलार्ड टू स्टार्ट विद। बट इस टीम में वो ये बहुत विकल्प है इनके पास। 4 बोलर्स, मयंक मारकंडे बड़ा साल इनके लिए, जसप्रीत बुमराह बूम बूम ये तो अच्छा करते ही हैं। फिर 2 ओवरसीज बोलर्स हैं, लासित मलिंगा को मैं शुरुआत में खिलाऊंगा और मिचेल मैकलेनहन के साथ आप एडम मिल को भी खिला सकते हैं, बैरन डॉफ को खिला सकते हैं, इन 3 में से किसी एक तेज गेंदबाज को खिला सकते हैं। तो ये है मेरी आइडियल 11 फॉर द मुंबई इंडियंस।